नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है, इन सभी का समाधान केवल भाजपा और मोदी है। योगी ने कहा कि मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। यूपी के सीएम ने एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। योगी ने कहा कि हम लोगों ने तब नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे, उसके बाद मंदिर वहीं बनाने का नारा हमने दिया। योगी आदित्यनाथ ने कोटा के इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब जब देश में विपदा आती है तो कोई इटली भाग जाता है तो कोई जयपुर आ जाता है। दरअसल सोनिया गांधी दिल्ली में खराब हो रही हवा के कारण इन दिनों डॉक्टर की सलाह पर जयपुर में है। योगी कोटा के इटावा में तेजाजी मैदान में भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद गोचर के समर्थन में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद बूंदी, केकड़ी, पुष्कर और किशनगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के अलावा आज राजस्थान में भाजपा के कई दिग्गज नेता अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।